जो अलग अलग स्टैंजा होंगे. देखो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे 3 अलग अलग स्टैंजा होंगे. ओके, तो थर्ड स्टैंजा हम पहुंचे थे. यस, तो वो उसकी फर्स्ट लाइन है. जस्ट थिंक how much less time I take देखो ऐसा. वो थर्ड वो बच्चा है, वो उसने नहा लिया है, अभी वो ड्राई कर रहा है अपने स्किन को, मतलब अपने जो बॉडी को. फिर वो बोल रहा है जस्ट थिंक मतलब केवल सोचो. जस्ट थिंक मतलब सोचो, थिंक मतलब सोचना. हम जो सोचते हैं, लाइक आपको अगर नहीं आता, लाइक एबीसीडी आप भूल गए हो, तो फिर क्या करते हो आप? ऐसे सोचते हो कि अरे पी के बाद क्या आएगा, सब सोचते हो. तो जस्ट थिंक, थिंक मतलब सोचना. जस्ट मतलब केवल, केवल सोचो. हाउ मच मतलब थोड़ा सा ऐसे. हाउ मच मतलब कितना. लेस टाइम आई टेक, लेस मतलब थोड़ा सा. टाइम, टाइम मतलब टाइम. आई टेक देन, आपको ऐसा बोला है कि अगर आप सोचो, जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई टेक. हाउ मच मतलब कितना, लेस मतलब थोड़ा सा. कितना थोड़ा सा टाइम आई टेक. टेक मतलब लेता. जस्ट सोचो अगर मतलब मैं कितना थोड़ा सा टाइम लेता. क्या अब क्यों ऐसा बोल रहा है ऐसा? तो इफ आई बर्डो एंड कूड Shake. ये जो बच्चा है ऐसा बोल रहा है कि just think मतलब अब थोड़ा सा सोचो, केवल सोचो अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेता, अगर मैं क्या होता. if मतलब अगर. I were a dog मतलब मैं dog होता. एंड गुड शेक 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 मतलब जैसे वो अपने बॉडी को ऐसे हिलाता है, तो क्या हो जाता है, तो उस जो डॉग होता, अगर मैं डॉग होता तो मैं कितना थोड़ा सा टाइम लेता. वो ऐसा बोल रहा है. ये जो बच्चा है वो क्या सोचता है, तो जस्ट थिंक केवल सोचो. हाउ मच लेस टाइम आई टेक मतलब थोड़ा सा टाइम, मैं कितना थोड़ा सा टाइम लेता. If I were a dog, अगर मैं डॉग होता. एंड कुड शेक शेक शेक, सिर्फ क्या करना पड़ता, शेक शेक करना पड़ता. ये शेक शेक मतलब क्या है, तो जो डॉगी होते हैं वो उसकी जो रूफ होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें पानी भीग जाता है, ऐसे पानी रह जाता है. तो फिर वो पानी ऐसे रह जाता है, तो जो डॉग होता है वो अपने बॉडी को ऐसे ऐसे हिलाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, शेक शेक मतलब ये हिलाना. उसको क्या बोलेंगे, शेक शेक. ये हिलते हैं वो बोलेंगे शेक बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शेक. तो मैं मेरे डॉग को, वो डॉग है, वैसे शेक शेक करता तो कितना टाइम कम लगता है. तो बॉय भी बॉय से बोल रहा है, अगर मैं डॉग होता तो मुझे कितना टाइम कम लगता. मतलब हम देखो हमें नहाते हैं तो इससे टाइम कितना ज्यादा लगता है. ऐसे यहाँ पे पोछते, वाइप करते, यहाँ पे वाइप, पूरा बॉडी को आप कैसे वाइप करते हो तो कितनी देर लगती है, ज्यादा देर लगती है. पर डॉग तो क्या, पानी में गया, बाहर निकला, तो उसे शेक शेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसे शेक शेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो पूरा क्लीन हो जाएगा, फटाक से वाइप हो जाएगा. तो ये पोएम में हमने क्या किया कि ये बच्चा ऐसे बोलता है कि
मैं जो बात करता हूँ उसके बाद आई ट्राई 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 मैं अपने आप से ट्राई करता हूँ. क्या ट्राई करता हूँ? तो टू वाइप माई सेल्फ ड्राई ड्राई ड्राई. मैं मेरे बॉडी को ड्राई मतलब सुखाने का लिए पोछता रहता हूँ. फिर वो बोल रहा है किसको किसको वाइप करेगा, तो हैंड्स को, फिर फिंगर्स को, टोज मतलब जो हमारे लेग्स की टोज होती है उसको क्लीन करेगा, फिर टू वेट लेग्स दो भीगे हुए लेग्स को, और फिर इसको करेगी तो शाइनी नोज को, ये जो नोज होती है वो कैसी हो जाती है, पूरी शाइन करती है. ओके तो मेरे शाइनी नोज को. फिर जस्ट थिंक मतलब थोड़ा सा सोचो. क्या सोचने का बोला है? हाउ मच लेस टाइम आई टेक, कितना थोड़ा सा टाइम मैं लेता अगर इफ आई वेयर अ डॉग, अगर मैं डॉग होता एंड कुड शेक शेक शेक, और मैं क्या कर देता फटाक से शेक 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 हमारे बॉडी को ऐसे हिला देता. ओके चलो आफ्टर बाथ में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया? सो आफ्टर माई बाथ आई ट्राई ट्राई ट्राई. मैं जब मेरा बाथ बाथ मतलब नहा लेता हूँ, मैं जब नहा लेता हूँ तब मैं ट्राई करता हूँ. क्या ट्राई करता हूँ? टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. जब तक मैं क्लीन ना हो जाऊँ, टिल मतलब जब तक मैं एकदम ड्राई ना हो जाऊँ तब तक मैं क्या ट्राई करता हूँ? मेरे अपने आप को वाइप करने की, अपने आप को सुखाने की ट्राई करता हूँ. Hands to wipe and fingers and toes and to wet legs and a shiny nose. मेरे hands, मेरे fingers and toes and two wet legs to भीगे हुए legs and a shiny nose. मेरा जो shiny nose है, मेरा जो nose है वो shiny हो करता है, वो shiny nose को wipe करने की, wipe मतलब सुखाने की मैं try करता हूँ. Just think how much less time it take If I were a dog and could shake, shake, shake. अगर मैं डॉग होता, just think, just सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर मैं डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता क्या करने के लिए? टू shake, 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 shake मतलब मैं मेरा बॉडी को ऐसे हिला देता. देखो यहाँ पे जो है वो हिला रहा है अब डॉगी, तो वो जो डॉग है वो ऐसे हिला रहा है, तो क्या हो जाता है इससे, यहाँ से वो पानी छूट जाता है. ओके तो वो बच्चा है वो ऐसा सोचता है. अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स. सो न्यू वर्ड्स, डॉग, डॉग मतलब तो पता ही है एनिमल है, डॉग इज एनिमल. हाउ कितना, हमें से बोलते हाउ मच. मैट मिलना. ट्राई, ट्राई मतलब हम कुछ भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो है ट्राई. टू, टू, टू इज अ नंबर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसा हम नंबर बोलते हैं. सो नंबर्स, लेट्स रीड. रीड मतलब रीडिंग करते हैं, चलो रीडिंग करते हैं. आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं ट्राई करता हूँ सेव वाटर. सेव मतलब पानी बचाने की मैं ट्राई करता हूँ. सेव, सेव मतलब बचाना. हम जो पानी को बचाते हैं वो लाइक आप लोग नहाते हो तो नहाते वक्त क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए. हम ऐसे ही कभी भी क्या करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं अपने आप पे, तो ऐसा करना नहीं है. हमें क्या करना है, हमें हमारे जो पानी है वाटर है उसको बचाना है. आई हैव टू ईयर्स टू लेग्स टेन टोज एंड वन नोज. मेरे पास टू ईयर्स टू लेग्स टेन टोज एंड वन नोज, एक ही नोज है. सो मेरे पास टू ईयर्स टू लेग्स टेन टोज एंड वन नोज है. डन. चलो लेट्स टॉक. टॉक मतलब बातें करते हैं, चलो बातें करते हैं. लेट्स टॉक मतलब चलो बातें करते हैं. डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, क्या आपको बात करना अच्छा लगता है,
क्या आपको बात करना अच्छा लगता है, से वाई, क्यों अच्छा लगता है आपको, ऐसे बताना है. ओके, डू यू लाइक टू हैव अ बात, क्या आपको बात करना अच्छा लगता है, से वाई, आप बताना है कि क्यों ऐसे. कैन यू बात योर सेल्फ, क्या अपने आप से आप बात करते हो, क्या अपने आप से आप बात करते हो, तो आपको बताना है. अगर आप बात अपने आप से करते हो तो आपको ऐसा सोच पूछना है अपने आप को, क्या मैं अपने आप से बात करता हूँ, ऐसे आपको अपने आप से बात करनी है. हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को ड्राई, ड्राई मतलब ऐसे सूखते, कैसे आप अपने आप को सुखाते हो. हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ, क्या आप लोगों ने एनिमल को ड्राई होते हुए देखा है, क्या ऐसे वो जो डॉग है वो ऐसे शेक शेक करता है का, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, आपको ऐसा पूछा है. अगर आपने देखा है तो ये लिखना है, ये सोचना है. ओके, लेट्स शेयर, चलो मेरे साथ शेयर करो. क्या शेयर करोगे, पुट अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर बाथ. पुट अराउंड मतलब आपको राउंड करना है, क्या तो कि व्हाट यू डू आफ्टर बाथ, बात कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, वो आपको बताना है. ओके, तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया है साइड में, उस पर आपको राउंड करना है. थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर, आपको ऐसा बोला है कि थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे आप अपने आप टॉवेल है, जो टॉवेल भीगा हुआ टॉवेल है उसको आप थ्रो मतलब फेंकते हो. यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिया है कि फ्लोर पे आप लोगों ने भीगा हुआ ऐसे ही टॉवेल को फेंक दिया है, यहाँ पे ही रख दिया है. देखो, थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर, आप लोगों ने अपने जो टॉवेल है वो ऐसे भीगा हुआ ऐसे ही फ्लोर पे रख दिया है, ऐसा आप करते हो तो उस पर राउंड करना है. हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई, हम क्या करेंगे तो क्योंकि हमारा जो वेट मतलब भीगा हुआ टॉवेल है उसको सूखने के लिए यहाँ पे हैंग कर देंगे. ओके, तो आप क्या करते हो इन दोनों में से, ऐसे फ्लोर पे फेंक देते हो या फिर आप अपना जो टॉवेल है उसको ऐसे ड्राई हैंग करने के लिए रख देते हो. सो हम हैंग करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बैड हैबिट है, जैसे फ्लोर पे रख देना नहीं है. डू यू वेयर दिस थिंग्स, डू यू वेयर थिंग्स विद दिस थिंग्स, मतलब आप अपने आप को क्या पहनते हो, डू यू वेयर दिस थिंग्स, क्या आप लोगों ने ये थिंग्स पहनी है, ये वाली जो थिंग्स है वो, ऐसे पूछा है. Draw lines from the picture to the world. आपको ऐसा बोला है कि draw lines, lines draw करनी है, पर कहाँ पे, pictures to the world, picture को world के साथ करनी है. ओके, draw a picture line. ओके, सो फर्स्ट वन trouser, क्या दिया है, shoes, क्या दिया है, shirt, socks, कैप, बेल्ट. चलो ये क्या दिया है, सो ट्राउजर, ये क्या दिया है, शूज, शर्ट, शूज, सॉरी सॉक्स, कैप, बेल्ट. ओके, तो ये ट्राउजर, ये यहाँ पे करेंगे शर्ट, सॉक्स, कैप, ट्राउजर्स, बेल्ट, शूज. ओके, सो ट्राउजर कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, तो हम मैच करेंगे. ओके, शर्ट, चलो यहाँ पे क्या दिया है, शूज, तो हम शूज को कहाँ पे करेंगे मैच, ये रहा शूज. ओके, शूज के साथ मैचिंग, ये क्या दिया है, शर्ट, तो यहाँ पे शर्ट के साथ क्या दिया है, सॉक्स, तो सॉक्स के साथ, चलिए क्या दिया है, कैप, सो कैप के साथ क्या दिया है यहाँ पे, यस, बेल्ट, बेल्ट के साथ मैच करेंगे. ओके,
नेक्स्ट पेज. लेट्स डू. डू मतलब चलो करते हैं. क्या करना है? मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको ऐसा बोला है कि मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स. पेयर जैसे बनती है, पेयर बनानी है. कैसे पेयर बनाओगे? तो लाइक पेयर कैसे बनाएंगे? तो शूज सॉक्स की ऐसे. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको करके दे दिया है. चलो आपको क्या करके दिया है? तो नीडल. पहले हम रीड करेंगे. नीडल बैट सॉक्स शर्ट बाउल शूज शॉर्ट्स थ्रेड स्पून बॉल. अगेन नीडल बैट सॉक्स शर्ट बाउल शूज शॉर्ट्स थ्रेड स्पून बॉल. आपको क्या बनानी है? उसकी पैर बनानी. चलो नीडल और थ्रेड की आपको बना के दी है, तो नीडल और थ्रेड की क्यों बन गई है? तो चलो थ्रेड को हम कब यूज़ करते हैं? तो थ्रेड को हम लोग नीडल के साथ मैचिंग करते हैं. ओके क्यों? तो कि हम थ्रेड को नीडल में से कम करके क्या करते हैं? कुछ भी सिलना है तो हम सिल सकते हैं. ओके सो बैट. बैट को शू के साथ? नो. शॉर्ट्स के साथ? नहीं. थ्रेड तो आ गया है. स्पून? नो. तो बैट को बॉल के साथ. ओके बैट बॉल. नेक्स्ट वन इज सॉक्स. तो सॉक्स को किसके साथ मैच करेंगे? सो सॉक्स को हम किसके साथ पहनते हैं? शूज के साथ. सो सॉक्स शूज. यहाँ पे आप अपने स्केल से भी यूज कर सकते हो. शर्ट. शर्ट को हम किसके साथ मैच करेंगे? सो शॉर्ट्स या स्पून. तो शर्ट को हम शॉर्ट्स के साथ पहनते हैं. तो शर्ट शॉर्ट्स. नेक्स्ट वन बाउल स्पून. ओके बाउल को स्पून के साथ. डन एवरीथिंग. लेट्स ड्रॉ. ड्रॉ मतलब ड्राइंग करते हैं. चलो कैसे? चलो ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर. आपको ऐसा बोला है ड्रॉ करो उसका फेस ड्रॉ करो या फिर स्टिक करो. क्या स्टिक करने का बोला है? तो अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड. आपको अपना मी मतलब मेरा और यहाँ पे फ्रेंड मतलब फ्रेंड का. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपके फ्रेंड का क्या करना है? तो आपको पिक्चर स्टिक करना है या फिर ड्रॉ करना है. देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड. और कंप्लीट करो. क्या करो? सेंटेंस को कंप्लीट करो और बहुत बड़ी आवाज में बोलो. से देम लाउड. लाउडली बोलना है. ओके माई नेम इज. मेरा नेम क्या है? सो माई नेम इज. आपको यहाँ पे लिखना है आपका नेम. माई फ्रेंड्स नेम इज. मेरे फ्रेंड का नेम मतलब आपका नेम लिखना है और आपके फ्रेंड का नेम लिखना है. ओके यहाँ पे आपका पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपका फ्रेंड का. डन. वो आपको अपने आप से करना है. यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स. आपको ऐसा बोला है ट्रेस करना है. क्या ट्रेस करोगे? द पाथ टू द फ्लावर्स. फ्लावर्स को बटरफ्लाई के साथ मैच करना है. ओके सो आप कैसे करोगे? सो हम लोग यहाँ पे ट्रेस दिया है. एक मैं कर रही हूँ यहाँ पे ट्रेसिंग. बाकी सब आपको अपने आप से ट्रेसिंग करना है. ट्रेस करते हुए क्या ध्यान रखना है? सो ट्रेस करते हुए जो डॉट है पूरे डॉट 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 उसको आपको प्रॉपर लेने हैं.
डन। मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई को किसके साथ ट्रेस कर दिया, फ्लावर्स के साथ। सो हम पूरे पेज में अपने आप से करोगे, ट्रेसिंग तो आपको आता ही है। ओके नेक्स्ट पेज। लर्न टू राइट, लर्न टू राइट मतलब लर्न मतलब सीखना, टू राइट सीखते हुए आपको लिखना है। ई एफ आपको अपने आप से लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। आपको ऐसा बोला है कि ये जो वेव्स है इसको वेव्स बोलते हैं, ये जो वेव्स है उसको आपको ट्रेस करना है और फिर कलर करना है, किस में, तो ये फिश में। ओके वो करना है और फिर क्या करना है, तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू आपको दिया है तो वो आपको ट्रेस करना है। से अलाउड आपको बोलना है, ए बी सी डी एफ, अलाउड मतलब बड़ी आवाज में बोलना है। ओके सो यहाँ पे हमारी पोएम खत्म हो गई है।